में आपका स्वागत। आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से तस्वीरें। यहाँ पर जो लड़कियां पहली बार पहुंची हैं आश्रम में, जानेंगे इनको कैसा लगा आश्रम में, लड़कियों को लेकर सुरक्षा कैसी है। काफी अलग अलग बातें मीडिया में दिखाई गई थी, लेकिन सच क्या है ये इनसे बातचीत करके जानेंगे। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? कामना। कामना जी, कहाँ से आए हो आप? पटियाला से। पटियाला से पहली बार आए हो आप आश्रम? हाँ जी। मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बीइंग गर्ल, सुरक्षित महसूस कर रहे हो अपने आप? हाँ जी। ऐसा लगा जैसा मीडिया में दिखाया गया था? मीडिया में देखा होगा 4 साल पहले आश्रम के बारे में, सन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा के बारे में काफी अलग अलग बातें दिखाई गई थी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सभी मतलब बहुत अच्छा है, सभी प्रबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत सुरक्षित भी है, सभी सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पर मैम आपने देखा है कि किस तरीके के कार्य लोगों के लिए किए जाते हैं, जो आपने सुना हो किस तरीके के समाज हित के कार्य किए जाते हैं? सब अच्छा ही किया जाता है, सब प्रबंध बहुत अच्छे हैं, पानी गर्म मिलता है और सब्जियाँ वगैरह सब अच्छा, मतलब खाने के लिए प्रसादा सब कुछ बढ़िया अच्छा ही मिलता है। मैम तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? आप भी पहली बार आए हो, लोगों के आपने भी देखा होगा, आपके दिमाग में भी पहले अलग छवि होगी क्योंकि आपने मीडिया में देखा होगा, जनता को क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा है, बस परमात्मा का नाम लेना चाहिए, वो सबसे बढ़िया है। संत जी के बारे में क्या आपका मानना है? आपने सुना होगा यहाँ लोगों से कि आज लोगों के आपका क्या कहना है संत जी के लिए? संत जी सब भी बढ़िया ही हैं, वो हमको भगवान का नाम लेने के लिए ही बोलते हैं कि सब गॉड जो है एक ही है। मतलब आपसे कोई पैसा दान चढ़ावा मांगा गया यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी अपनी श्रद्धा होती आपको है, आपको लगता है संत जी की जरूरत है समाज को? हाँ जी है, जरूरत है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? बस जो गर्ल्स हैं बॉयज के समान मानना चाहिए उनको, और पढ़ाई लिखाई के लिए बस उनको पढ़ाना चाहिए लिखाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो पहली बार जनता यहाँ पर आश्रम में आ रही है, खासकर लड़कियाँ जो पहली बार डेरा सच्चा सौदा संस्था में आई हैं, उनका भी मानना है कि बहुत अच्छा माहौल है डेरा सच्चा सौदा का, इनको भी ऐसा नहीं लगता जो मीडिया में दिखाया गया। ये खुद यहाँ पर पहली बार आई हैं और यहीं पर रुकी हुई हैं, ये देख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए हर तरीके की फैसिलिटी दी गई है, किसी भी तरीके की कोई असुविधा यहाँ पर लोगों को नहीं होती है, चाहे कोई खाने पीने की है, सब फैसिलिटी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से, संत जी की तरफ से यहाँ पब्लिक को दी जाती है। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें, फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।